बॉलीवुड को दृश्यम जैसी सुपरहिट फिल्म देने वाले डायरेक्टर निशिकांत कामत अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। जी हाँ, वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि कई दिनों से इस तरह की स्पेकुलेशंस आ रही थी कि निशिकांत कामत जो हैं वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन आज सुबह ही रितेश देशमुख ने इस बात की क्लैरिटी दी और कहा कि वो भले ही उनकी तबीयत खराब है लेकिन वो वेंटिलेटर पर है और वो अभी तक ठीक है। लेकिन अभी जस्ट 5 मिनट पहले ये खबर आ चुकी है कि निशिकांत कामत हम सभी को छोड़कर जा चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से उनकी तबीयत काफी खराब चल रही थी, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था एंड सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक क्रॉनिक लिवर डिजीज के वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। मैं आपको बता दूं कि तमाम सुपरहिट फिल्में जैसे कि मुंबई मेरी जान से लेकर फोर्स, लय भारी, दृश्यम, भावेश जोशी, इस तरह की जितनी भी जबरदस्त फिल्में हैं, रॉकी हैंडसम, इस तरह की तमाम सुपरहिट और धमाकेदार फिल्में दी हैं एज अ डायरेक्टर हमें निशिकांत कामत ने। मैं आपको बता दूं कि कुछ वक्त पहले ही जॉन इब्राहिम ने भी उनके वेलबींग के लिए विशेज मांगी थी, सबसे कहा था कि सभी प्रे कीजिए, लेकिन उनकी हेल्थ कुछ ज़्यादा ही डिटोरिएट हो गई जिस वजह से वो हम सभी को छोड़कर चले गए। वी जस्ट होप एंड वी विश मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस बारे में या फिर मैं बताइए कमेंट सेक्शन में।